हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर गुड। आज की वीडियो में आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी वाओ स्किन साइंस विटामिन सी फेस सीरम एंड ऑयल फ्री है वो, तो उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बट मेक श्योर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आपने, एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है आपके लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड शेयर करना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फेस सीरम के बारे में। तो कुछ इस तरीके की आउटर पैकेजिंग में ये आता है। मैंने इसको लगभग टू मंथ्स मैंने इसको यूज कर लिया है। उसके बाद में आपके साथ अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई भी रिव्यू शेयर करती हूँ तो सबसे पहले अपने ऊपर ट्राई करती हूँ, मुझे वो कैसा लगता है, चाहे वो अच्छा हो या बेकार हो, कैसा भी हो, मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, बाहर इस तरीके की पैकेजिंग होती है, इस तरीके की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है। 20% इसके अंदर विटामिन सी है एंड सूट्स ऑल स्किन टाइप्स, ये सभी स्किन को सूट करेगा, ऐसा इन्होंने क्लेम किया हुआ है। मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे कैसा है, मेरे साथ कैसा रहा है इसका जो भी है, मैं आपके साथ वो सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ। पहले इसके बारे में बता देती हूँ आपको। एंड 699 इसका एक्चुअल प्राइस है, एमआरपी इसका 699 है। आपको हमेशा पर्पल पे ही है, इनकी वाओ की वेबसाइट पे आपको ऑफर में, अच्छे खासे ऑफर में मिल जाता है वैसे ये। एंड वन ईयर की सेल्फ लाइफ है इसकी। एंड और ओके, तो ये क्या क्लेम करता है, टू हेल्प हाइड्रेट स्किन एंड ब्राइटन कॉम्प्लेक्शन तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है एंड आपकी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है, ये ऐसा इन्होंने क्लेम किया है। और मेड इन इंडिया है, 30 ml का इसका वेट है, नेट वेट इसका 30 ml है। तो नो पैराबन, नो सिलिकॉन्स एंड नो मिनरल ऑयल्स, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन। एंड और डर्मेटोलॉजिकली ये टेस्टेड है, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब इसकी इनर पैकेजिंग देख लेते हैं कैसी है। तो इस तरीके की इनर पैकेजिंग है, तो इस तरीके की बोतल निकलती है इसके अंदर से, और यहाँ पे ये इस तरीके कैप दे देते हैं ताकि प्रोडक्ट सेफ रहे, अंदर से कुछ भी लग ना सके, मतलब कुछ डर्ट वगैरह ना इस पे लगे। तो इस तरीके कैप पे यहाँ पे इस तरीके से फंस जाता है एंड ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे भी जैसे बाहर आउटर पैकेजिंग में सेम जो चीजें लिखी थी वही सब कुछ इस पर लिखा हुआ है। आपको इसका पैकेजिंग दिखा देती हूँ। इस तरीके की बॉटल में आता है ये, कुछ ब्लैक कलर की इस तरीके की बॉटल है। विटामिन सी के जितने भी प्रोडक्ट्स रहते हैं उनकी बॉटल का कलर सेम ऐसा ही होता है। और इस तरीके की पंप है, पंप से इसको 2 से 3 ड्रॉप लेना होता है एंड फेस पे अप्लाई करना होता है इस तरीके से, और मैं आपको लगा के भी दिखा दूंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेरे ऊपर इसने क्या क्या इफेक्ट, मतलब मेरे ऊपर इसने क्या फायदा किया है, क्या इफेक्ट पड़ा है इसका, तो वो भी आपके शेयर करती हूँ। मैं इसको 2 मंथ्स यूज कर लिया है, उसके बाद में ही आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और आप देख सकते हो लगभग इतना प्रोडक्ट बचा है, मैं इसको भी निकाल के दिखा देती हूँ, अगर आप देख पाओगे तो अभी इतना बचा है, मैंने इतना इसको यूज कर लिया है, यहाँ तक बचा है और इतना ही मैंने इसको यूज कर लिया है। तो बताती हूँ, मैंने और भी वीडियोस देखी है, उन्होंने अपने अपने क्लेम किए हुए थे कि 7 डेज यूज किया है, उसके बाद में उनके फेस पर जो निशान थे वो फेड होने लगे हैं। बट 7 डेज में मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया था, 7 डेज नहीं, मैंने 10 डेज भी यूज किया। एक्चुअली मैंने एक वीडियो अपनी बनाई थी पर्पल हॉल की, मैंने उसमें बोला था, जब इसको दिखाया था मैंने हॉल में इसको लिया था, तो मैंने उसमें बोला था कि मैं 10 डेज यूज करूंगी, इसके बाद मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। बट 10 डेज में मेरे को ऐसा कुछ इफेक्ट नजर नहीं आया था, तो मैंने इसलिए इस पर वीडियो नहीं बनाई। मैं इसका फेस वॉश भी यूज कर रही हूँ, मैं दोनों चीजें यूज करती हूँ, फेस वॉश और इसको दोनों को यूज करती हूँ, और दोनों को ही मुझे लगभग, फेस वॉश को भी और इसको भी मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं कंटिन्यू इसको यूज करते हुए। कभी मैं एक बार लगाती हूँ दिन में और कभी मैं दोनों टाइम लगाती हूँ, मॉर्निंग में, नाइट में सोने से पहले। और मेरे यहाँ अभी आपको मेकअप में सॉरी नजर नहीं, बट मेरे जो फेस पे निशान थे वो जो ताजे निशान थे ना वो इसने फेड आउट कर दिए, बट जो बहुत पहले के में छोटे 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 से ब्राउन कलर के जो स्पॉट्स थे
उसमें इतना कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ा। और हाँ, मुझे डार्क सर्कल में और मेरे माउथ एरिया में थोड़ी मुझे ब्लैकनेस थी, मतलब इवन स्किन करता है ये भी, ये क्लेम करता है विटामिन सी जो है हमारे फेस को इवन टोन करता है, डार्क सर्कल को भी रिमूव कर देता है, उसमें मुझे थोड़ा सा फर्क लगा है। एंड स्किन को ब्राइट करता है, मतलब कह सकते हो हाँ 100 में से अगर मैं परसेंटेज में बताऊं तो मुझे लगभग 5 to 10% मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि हाँ स्किन को एक टोन मेरा ब्राइट किया इसने। एंड सबसे चीज की इवन स्किन कर देता है, स्किन टोन इवन कर देता है, वो भी मुझे इसमें नजर आया है, जो कि काफी अच्छी चीज लगी है मुझे इसे। और हाँ, लेकिन जो अगर आपके जो कुछ ताजे निशान हैं जैसे डार्क स्पॉट्स के, या आपको पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं उसके निशान रहते हैं, वो फेड आउट करने में बिल्कुल ये हेल्प करेगा, क्योंकि मेरे भी यहाँ पर जल गया था, हल्का सा इस तरफ जल गया था, तो अभी मेकअप में नजर नहीं आ रहा होगा, तो उसका निशान मेरा काफी टाइम से था, बट इसको यूज करने के बाद वो थोड़ी धीरे धीरे फेड आउट होने लगा और अभी वो बहुत कम नजर आता है, बहुत मतलब कैमरे पे तो वो नजर भी नहीं आएगा, इतना कम नजर आता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये मेरे लिए अच्छा है, मतलब ऑल स्किन टाइप है, बस इसकी कुछ ड्रॉप लेनी होती है फेस वॉश करने के बाद। आप टोनर लगाओ, टोनर लगाने के बाद इस सीरम को 2 से 3 ड्रॉप इसको लिए लीजिए, एंड फेस इस तरीके से आपको रब करना है और अपने फेस पे इस तरीके डैब डैब करके मसाज कर लेना, दैट्स इट। उसके बाद में कुछ टाइम थोड़ा सा रुके, 1-2 मिनट रुकने के बाद फिर अगर आपका फेस मॉइस्चराइज करना है तो आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और कि इसको अगर आप लगाते तो स्किन ना, एक तो आपके फेस में ना इंस्टेंट ग्लो ये दे देता है आपके स्किन पे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको इंस्टेंट एक ग्लो नजर आएगा, बट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको लगाने के बाद ना स्किन ड्राई ड्राई खिंची खिंची जैसी लगेगी। मेरी ऑयली स्किन है तब भी मेरे को लगती है खिंची खिंची, और ड्राई स्किन वालों को तो और भी ज्यादा लगेगी। तो मॉइस्चराइजर जरूर लगाना इसको लगाने के बाद, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे तो फिर आपको साइंस ऑफ एजिंग की प्रॉब्लम होने लग सकती है, स्किन खिंचेगी तो ऑब्वियसली वो चीज हो जाती है। तो चलिए, मेरा ये रिव्यू था, अगर आपको पसंद। ओ हाँ, मैंने कहाँ से लिया, कितने में लिया है, मैंने ये बता देती हूँ आपको। मैंने इसको purple.com से लिया है, 410 में मुझको ये पड़ा था, MRP इसकी 599 है, और आपको हमेशा इस ऑफर में मिल जाएगा। अगर आप इसकी वेबसाइट से लेते हो तो और भी अच्छे अच्छे ऑफर में मिल जाते हैं, और साथ ही साथ और मतलब ऑफर भी मिलते हैं रहते हैं उसमें, फ्री प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, तो आप इस इनकी साइट को भी एक बार चेक करना, अदरवाइज आपको purple.com से भी मिल जाएगा ये। ओके, तो ये था मेरा रिव्यू, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना ना भूलना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपनी फैमिली में, दोस्तों में, प्लीज शेयर करना इस वीडियो को, एंड कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही तो, क्योंकि ये कॉस्टली प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो एक बारी जरूर यूट्यूब पे सर्च करोगे इसके बारे में कि आपको ये कितना हेल्प करेगा, आपको ये अच्छा है या नहीं है, आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। एंड मनी इन्वेस्ट करने से पहले हर कोई एक बारी सोचता जरूर है, मैं तो बहुत सोचती हूँ, लेने से पहले बहुत वीडियोज देखती हूँ, रिव्यूज देखती हूँ, तब उसके बाद में कोई प्रोडक्ट लेती हूँ। फिर भी मुझे कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मेरी स्किन को सूट नहीं करते हैं। हाँ ओके, तो चलिए, अब ये था मेरा रिव्यू, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल बटन को प्रेस जरूर कर देना। सो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।